दोस्तों यदि आप भी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के प्रशंसक हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप भी सोच रहे हैं कि क्या अर्जुन तेंदुलकर इस बार का आईपीएल खेलते हुए नजर आ सकते हैं तो हम आपको बता रहे हैं जी हां, ऐसा हो सकता है क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर ये खिलाड़ी इस वक्त दिन रात मेहनत कर रहा है। वहीं किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में जमकर चौके छक्के बरसाए और साथ ही गेंदबाजी में खतरनाक गेंदबाजी करके वहां पर मौजूद सभी खिलाड़ियों को हैरान कर दिया, उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत के महान बल्लेबाज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को लोग हमेशा ही उनके पापा के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी ऑलराउंडर ने अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, मुंबई इंडियंस के प्रैक्टिस सेशन में अर्जुन तेंदुलकर खूब पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी मेहनत और लगन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें वो मुंबई की जर्सी में खेलते हुए इस साल के आईपीएल में नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये सचिन तेंदुलकर से लेकर अर्जुन के लिए भी बहुत बड़ी बात होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि अर्जुन हमेशा ही नेपोटिज्म का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सभी का ऐसा मानना है कि वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, इसलिए उनको मुंबई इंडियंस अपनी टीम में शामिल करती है। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि पिछली बार जब मुंबई ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था तब एक मुंबई में ही उन्हें प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। जब मुंबई की टीम पिछले साल के आईपीएल में बाहर होने वाली थी उस वक्त अर्जुन को मौका दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये साबित हो जाता है कि अर्जुन तेंदुलकर को कभी भी सचिन तेंदुलकर की वजह से जगह नहीं मिलती है और न ही क्रिकेट के भगवान भी ऐसा चाहेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि ये युवा ऑलराउंडर पिछले काफी समय से मुंबई के खेमे में शामिल होकर जमकर पसीना बहा रहा है। उन्होंने बल्लेबाजी कोच से लेकर गेंदबाजी कोच के साथ मिलकर घंटों अपनी तैयारियों पर काम करते रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने जब हाथ में बल्ला पकड़ा तब उन्होंने देश में सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उनके फ्री फ्लाइंग बैटिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यदि उनको मौका मिले तो वो अपनी छाप जरूर छोड़ सकते हैं। यही नहीं, अर्जुन एक बेहतरीन तेज गेंदबाज भी हैं और उनकी गेंदें बेहतरीन तरीके से स्विंग करती हैं, जिसका फायदा मुंबई इंडियंस उठा सकती है। दोस्तों मुंबई इंडियंस का सालों से हिस्सा रहे हार्दिक पांड्या अब इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं रहेंगे और ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अर्जुन तेंदुलकर को रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में जगह देंगे या नहीं। हालांकि इस बार उनके मेहनत और प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि एक दो मुकाबलों में उनको आजमाया जरूर जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।